शोले भारतीय सिनेमा की वो फिल्म है जिसे भारत के हर सिने प्रेमी ने एक से ज्यादा बार देखा है। इस फिल्म ने सफलता के शिखर पर अपना नाम दर्ज किया। शोले से जुड़ी ढेरों कहानियां हैं जो बेहद रोचक हैं और अनसुनी हैं। इस फिल्म से जुड़े हर शख्स को इंडस्ट्री और जनता की तरफ से बेशुमार प्यार मिला, लेकिन इसी फिल्म से जुड़ा एक शख्स ऐसा भी था जिसे बुढ़ापे में बेतहाशा गरीबी और मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और उन्हीं मुसीबतों से लड़ते हुए ही वो शख्स ये दुनिया भी छोड़ गया। किस्सा टीवी पर आज कही जाएगी। शोले फिल्म को इकलौता फिल्म फेयर अवार्ड दिलाने वाले फिल्म एडिटर एमएस शिंदे की कहानी। एमएस शिंदे की ये कहानी आप दर्शकों को बताना जरूरी है, क्योंकि आपको फिल्म इंडस्ट्री के इस स्याह पहलू की जानकारी भी होनी ही चाहिए। एमएस शिंदे जी ने फिल्म एडिटिंग में अपना करियर 60 के दशक में शुरू किया था। वो नामी प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी के साथ जुड़े थे और उनके साथ रहते हुए एमएस शिंदे जी ने उनकी कई फिल्मों को एडिट किया। ब्रह्मचारी, सीता और गीता, शान, शोले और कई दूसरी फिल्में थी जो सिप्पी फिल्म्स के लिए शिंदे जी ने एडिट की थी। उस जमाने में सिप्पी फिल्म्स से इन्हें 2000 रुपए महीना पगार मिला करती थी। सिप्पी फिल्म्स के अलावा भी एमएस शिंदे जी ने कई दूसरे नामी प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया। कमाल अमरोही जी के लिए शिंदे जी ने रजिया सुल्ताना फिल्म एडिट की थी। IS जौहर के लिए बेवकूफ एडिट की थी। सुल्तान अहमद के लिए गंगा की सौगंध एडिट की। वह और भी जाने कितनी ही फिल्में एमएस शिंदे जी ने एडिट की थी। फिल्म शोले की 3 लाख फीट की रील को एमएस शिंदे जी ने ही एडिट करके पूरी फिल्म 18,000 फीट में बनाई थी। यूं तो शोले को कई कैटेगरीज में फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन मिला था, लेकिन शोले को मिला इकलौता फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड था, जो कि एमएस शिंदे जी को ही मिला था। ये एमएस शिंदे ही थे जिन्होंने एक जमाने के दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय शो बुनियाद की एडिटिंग की थी। एमएस शिंदे जी ने अपने करियर में सोहनी महिवाल, शक्ति, सागर और चमत्कार जैसी फिल्मों को भी एडिट किया था। एमएस शिंदे के करियर की आखिरी फिल्म थी साल 1995 में आई शाहरुख और रवीना टंडन की फिल्म जमाना दीवाना। इसके बाद एमएस शिंदे फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर हो गए। एमएस शिंदे जी का जीवन एकदम सही चल रहा था। वो मुंबई के परेल इलाके की एक बिल्डिंग में मौजूद अपने फ्लैट में बेटी अचला के साथ रह रहे थे। अचला से बड़ी अपनी दोनों बेटियों की वो पहले ही शादी करा चुके थे, लेकिन एक दिन इनकी बिल्डिंग ढह गई और बस यहीं से एमएस शिंदे जी का बुरा वक्त शुरू हो गया। बुढ़ापे के चलते बीमार तो वो पहले ही रहते थे, लेकिन घर तबाह होने के बाद उन्हें धारावी की झुग्गियों के एक कमरे में रहने जाना पड़ा। धारावी में आकर शिंदे और भी ज्यादा बीमार हो गए। उनका ज्यादातर वक्त अपने बिस्तर पर ही गुजरता था। उनकी छोटी बेटी अचला ही उनकी देखभाल करती थी। अचला, जो कि अपना खुद का एक छोटा सा केक बिजनेस चलाती हैं, उन्होंने अपने पिता की देखभाल करने के लिए शादी तक नहीं की। उनकी बड़ी बहनें जितना हो सकता था उतनी मदद करती रही, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से एमएस शिंदे जी को कोई मदद नहीं मिली। शिंदे जी ने एक दफा मदद के लिए फिल्म एडिटर्स एसोसिएशन को चिट्ठी लिखी थी। उस वक्त वहां से इन्हें 5,000 रुपए की मदद मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर कभी दोबारा कोई मदद वहां से नहीं आई। एक दिन किसी ने शिंदे जी से सवाल किया कि वो किसी बड़े स्टार के पास मदद के लिए क्यों नहीं गए। इस सवाल के जवाब में शिंदे जी ने कहा कि एक्टर्स केवल पैसे के लिए काम करते हैं, फिर चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, जया बच्चन हो या कोई और हो, वो किसी और की मदद के लिए क्यों काम करेंगे और मैं भी उनसे मदद मांगने क्यों जाऊं। एक इंटरव्यू में एमएस शिंदे जी की बेटी अचला ने बताया था, ऐसा कई दफा हुआ था जब कुछ प्रोड्यूसर्स ने उनके पिता से काम तो कराया लेकिन पैसे नहीं दिए। बुरे वक्त में भी ऐसे प्रोड्यूसर्स ने एमएस शिंदे के पैसे नहीं दिए।
एमएस शिंदे के बुरे वक्त में उनकी मदद के लिए अगर कोई आगे आया तो वो थी महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट कर्मचारी सेना, जो कि जाने माने पॉलिटिशियन राज ठाकरे जी की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का ही एक हिस्सा है। उनकी तरफ से ही शिंदे जी की आंखों के ऑपरेशन के लिए 51,000 रुपए दिए गए थे और उन्होंने ही शिंदे जी के इलाज के बाकी खर्च भी उठाए थे। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी एमएस शिंदे जी की मदद के लिए आगे नहीं आया, जबकि पूरी फिल्म इंडस्ट्री जानती थी कि एमएस शिंदे जी काफी बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। 28 सितंबर 2012 को बुरे वक्त से जूझते हुए ही एमएस शिंदे जी ने ये दुनिया छोड़ दी, लेकिन अपने पीछे वो अपनी कहानी छोड़ गए, जो ये बताती है कि फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े और नामी कलाकार केवल फिल्मों तक ही हमदर्द और मसीहा होते हैं, असल जिंदगी में ये आम इंसानों से भी ज्यादा छोटे दिल के लोग होते हैं। भारतीय सिनेमा में शानदार योगदान के लिए किस्सा टीवी एमएस शिंदे जी को नमन करता है और उन्हें एक बड़ा सैल्यूट पेश करता है। जय हिंद।